सर आप भी के कोर्ट में मैंने मैंने मिलने के लिए भी आप रिक्वेस्ट की थी, आपको याद होगा। वो मुझे मिलने नहीं देती थी, एक घंटे में हम कितना तनाव होता था। पढ़ लीजिए, सर ने मिला हुआ है, जो उचित लगे सर वैसा देख लीजिए। Hi friends, the Legal One channel को support करें और court related video देखने के लिए video को like करें, share करें और the Legal One channel को subscribe करें। Thank you. सर बैंक का अकाउंट भी पेश किया है सर, वो कहाँ है बैंक का जो पेश किया अपने बारे में? सर हमने जो फाइल किया है सर उसमें बैंक का वो भी है सर, ये बैंक का नहीं जी। ये सर पेज 22 में देखें सर, 1,27,240 रुपया और 1,37,800 ये दूसरे पेज में है, पेज 23 में। सर पैरा 8 में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्वांटम नहीं दिया हुआ है सर, टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट लेस माइलर नाउ आई हैव टू पे माइलर दिस हैवी अमाउंट माइलर। तो बच्चे का पालन पोषण एजुकेशन का सब खर्चा मैं दे रहा हूं, माँ जो है उसको डे बोर्डिंग में रख दी है, माँ के पेरेंट्स रायपुर में नहीं रहते हैं सर, हॉस्पिटल में काम करती है जिसमें कि डे बोर्डिंग मीन्स व्हाट सर? सुबह से बच्चा रहता है शाम तक वही रहता है, खाना पीना सब डे बोर्डिंग इज दिस इवन बिफोर बिगिनिंग ऑफ द क्लास एंड आफ्टर एंडिंग ऑफ द क्लास। तो जो सराउंडिंग सरकमस्टांसेस है सर उसको देखना जरूरी है, सिंस द चाइल्ड इज स्टेड विथ हर पैटर्नल ग्रैंड मदर माइलर फ्रॉम द एज ऑफ 1 year माइलर अप टू हैंडिंग ओवर ऑफ हर शी वाज टेकन शी केम इनटू कस्टडी बाय ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर बाय इंटरिम ऑर्डर सर इन दिस केस 7-8 नो नो माइलर फाइनल दोनों एंट्री एंड फाइनल दोनों सर फर्स्ट कस्टडी कैसे गया वापस? आपके पास था बच्चा? बच्चा हमारे पास था, गया कैसे इनके पास? बच्चा हमारे पास था बट क्या था कि लगातार इतना ज्यादा डिस्प्यूट था घर पे, तो हमने सेफर साइड में कस्टडी फाइल की थी। हमें पहला जो है इंटरिम कस्टडी कोर्ट से मिल गया, लेकिन पहली इंटरिम कस्टडी हमें कोर्ट से मिली थी, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि मदर नहीं थी, तो इंटरिम कस्टडी को रिवर्स किया गया, वापस इंटरिम उनको दिया गया, फिर फाइनल केस चला, फिर फाइनल केस का भी उनको दिया गया। और सर इसमें और भी फैक्ट्स है मैं आपको बता दूं, सर ये कुछ बोलना चाहते हैं बता दें सर। बोलते हैं सर मुझे 2 मिनट चाहिए रहेगा आपका। सर मुझे 2 मिनट चाहिए रहेगा सर आपका। सर क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं, जो कि बहुत जरूरी है सर पॉइंट्स इस कोर्ट में, इस जगह इस बच्चे के कस्टडी को निर्धारण करने के लिए इन पॉइंट्स को कंसीडर करना जरूरी है। सर हम दो तीन पेशियों पहले इसी कोर्ट में आपने एक सर ने सीनियर काउंसिल सर ने बताया था प्राइम कस्टडी फादर की है, फर्स्ट कस्टडियन फादर है। इंस्पाइट ऑफ दैट आपने कहा था कि चूंकि बच्चे के केस में ऐसा होता नहीं मदर को दिया जाता है। सर ये बहुत वाइड एंगल है, हमें बच्चे के लिए ऐसा ही सोचना होगा। सर प्राइमरीली जो शुरू के 5.5 साल थे बच्चे के, जो सबसे प्रिमिटिव है सबसे जरूरी एज होते हैं बच्चे की, बिटिया मेरे साथ थी। मीनवाइल उनका इलाज चल रहा था हैदराबाद में, मैंने बच्चे का ध्यान रखा। वो वहां से आई नौकरी कर रही थी हॉस्टल में रह के, मैंने बच्चे का ध्यान रखा। फाइनली वन डे लोअर कोर्ट आता है हैदराबाद से,
5 साल ट्रीटमेंट चला? 5 साल नहीं सर, 2 साल कागज है सर। नहीं इसका कोई, हैदराबाद में 1 साल चला, यहाँ आके 1 साल चला, जॉब चला यहाँ जहाँ वो हॉस्टल में रही, साहू हॉस्टल में। इन पूरे उसका एविडेंस कहाँ है साहू हॉस्टल में? सर साहू हॉस्टल का एविडेंस नहीं है सर, बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर देखिए लॉ पॉइंट्स पे सीनियर काउंसिल बता देंगे, पर बच्चे के कस्टडी में हम हर जगह लॉ पॉइंट में नहीं चल सकते, क्योंकि हर चीज को मैं कोर्ट में कैसे साबित करूंगा, ये चीज हमें और बच्चे के माध्यम से समझना होगा। तो मेरा ये है सर कि अगर हम वहां पर, जैसे मैं अपने वो वाले पॉइंट में था सर कि एक दिन लोअर कोर्ट आता है और फाइनली कहता है गर्ल चाइल्ड है मदर को दे दो। सर मेरा ये है, उन्होंने जो लोअर कोर्ट में डिसीजन हुआ वो जो पॉइंट्स उन्होंने रखा, मुझे उनके डिसीजन से आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके पॉइंट्स पूर्ण रूप से गलत थे सर। उन्होंने बताया मदर वेल क्वालिफाइड है, लेकिन फादर कहां से कम क्वालिफाइड है ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया मदर अच्छा कमा रही है, लेकिन फादर कहीं से उससे कम नहीं कमा रहे थे। उन्होंने बताया मदर छत्तीसगढ़ रैंक होल्डर, उन्होंने ये नहीं बताया फादर 2 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक होल्डर। सर ये मापदंड होने ही नहीं थे बच्चे का कस्टडी निर्धारण करने के लिए। हमें ये देखना चाहिए था उस समय लोअर कोर्ट जज को कि वो खाती क्या है, पहनती कैसे है, परवरिश कैसे होगी, खुश कहाँ है बच्चा। सर मेरे साथ थी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मेरे साथ दादा दादी के साथ लंच, शाम को पूरी फैमिली बैठ के डिनर करती थी। नाउ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उसका स्कूल में, बिल्स आपके सामने, डे बोर्डिंग में रह रही है, रात को मदर का नाइट शिफ्ट है, हॉस्पिटल में सो रही है, दिस इज द वे शी इज लीडिंग। सर खाना सोना रहना, सर मेरी मदर शी इज टीचर टू स्मॉल चिल्ड्रन फॉर लास्ट 30 इयर्स। मेरे घर में बच्चों के बहुत बड़ा एक झुंड होता था जिसमें दक्षता खुशी से रहती थी, एवरीथिंग वॉज टेकन जस्ट बिकॉज गर्ल चाइल्ड है मदर को जाना चाहिए, नथिंग वॉज सीन। सर इसके बाद भी सर ऑन पैरेलल ग्राउंड्स वी आर हैविंग पैरेलल सैलरीज राइट एट द सेम पॉइंट, वी बोथ आर अर्निंग गुड, वी आर हैविंग पैरेलल सैलरी। इन स्पाइट ऑफ दिस आई पेड द मेंटेनेंस टू द मदर, आई पेड एलिमनी टू मदर, मेंटेनेंस टू चाइल्ड टू बी कंसिडर्ड इन दिस फैक्ट, आई हैव पेड मेंटेनेंस टू चाइल्ड, आई हैव पेड, आई एम पेइंग कंप्लीट एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ दैट इंटरनेशनल स्कूल इन रायपुर ऑफ द चाइल्ड। एंड आफ्टर ऑल दिस शी हैज अगेन फाइल्ड, लास्ट मंथ शी हैज अगेन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट मी, शी वॉन्ट्स इवन 40,000 मोर पर मंथ। सर अगर वो इतनी परेशान है, बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं आजीवन एक भी पैसा नहीं मांगूंगा, उसका बेस्ट केयर करूंगा, और मैं ये करता आया हूं, दैट टू इन अ डिसिप्लिन मैनर, आई हैव शोड थ्रू माय बिल्स। आप एक दिन मेरे डिसिप्लिन का हटा दीजिए कि इस दिन आपने गलत रखा, इस दिन आपने कम पैसे दिए या इस दिन नहीं दिए, अगर ये प्रूव कर देते हैं तो मैं आज बच्चा दे लूंगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट सर, एक और फैक्ट आपके समक्ष रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये सारी चीजों से ज्यादा जरूरी बच्ची का खुश रहना। मेरा ये आपसे मीन्स पूर्ण रूप से निवेदन है सर कि बच्चे का मन पढ़ लीजिए। ऑनरेबल जज ने बच्चे से मिला है, नो बडी नोज उनकी क्या बातचीत है। मेरा ये है अगर वो माँ के पास जाना चाहती है तो उसे सहर्ष माँ को दे दीजिए, लेकिन अगर वो पिता के पास आना चाहती है तो और कैसे बोलेगी सर, और कौन सा ग्राउंड है उसके पास बोलने के लिए। ऑल दिस फैक्ट्स को सर कंसिडर करते हुए एक बार डिसीजन हमें इस तरह से लेना पड़ेगा वाइडर नोट में, क्योंकि लोअर कोर्ट वाइडर ऑप्शंस एक्सप्लोर तभी नहीं करेगा, दे विल ऑलवेज गो टू लॉ पॉइंट्स। लेकिन सर आपने चूंकि 3 दिन पहले कहा था कि हम लॉ पॉइंट से बाहर सोचते हैं, हाईकोर्ट हैज अ वाइड एंगल, इन सब चीजों के कारण सर कीपिंग दीज थिंग्स ऑन बोर्ड टूडे, इफ आई एम नॉट गेटिंग द कस्टडी ऑफ माई डॉटर देन नो अदर फादर विल एवर गेट, बिकॉज आई हैव लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड फॉर परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज एंड दैट टू इन द मोस्ट डिसिप्लिन मैनर। सर स्कूल में भी डायरी में भी इवन मेरा नाम नहीं है भाई। सर जब मैं सारे फीस मैं पे करता हूँ, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैं बियर कर रहा हूँ, मेरा नाम डायरी में क्यों नहीं है सर, उसके भाई का क्यों है, मोबाइल नंबर में मेरा नहीं है, स्कूल में मेरे को कोई इजाजत नहीं है, शी हैज टोल्ड दैट ही इज वेरी, ये उसको अलाउ मत कीजिए, कस्टडी मेरे पास है। सर आप भी के कोर्ट में मैंने मिलने के लिए भी आप रिक्वेस्ट की थी, आपको याद होगा, वो मुझे मिलने नहीं देती थी, 1 घंटे में हम कितना तनाव होता था। देन यू ऑर्डर कि हाँ ठीक है आप वीडियो कॉल भी कीजिए 3 बार, आप 1 घंटा मिलिए महिला थाना में, महिला थाना नहीं वो चाइल्ड केयर सेंटर में। सर ये स्थिति है, हमें स्थिति को समझना पड़ेगा सर, हम सिर्फ लॉ पॉइंट्स पे बच्चे की कस्टडी का निर्धारण कैसे करेंगे बताइए। That's why we are hearing. Yes, sir. That's what I'm saying. बाकी सर बच्चे का मन पढ़ लीजिए, सर ने मिला हुआ है जो उचित लगे सर वैसा देख लीजिए।